जय श्री राम। मैं हिंदू धर्म रक्षा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, साथ ही मैं संस्थापक भी हूं। मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि हिंदुओं को संगठित किया जाए। कैसे संगठित किया जाए, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इस पर हम लोगों ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। क्यों संगठित किया जाए? जवाब मुझे मेरे मन ने बतलाया कि हिंदुओं को संगठित करना इसलिए आवश्यक है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, हिंदू समाप्त होने वाले हैं, इनको बचाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, तभी यह हिंदू बच पाएंगे। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हिंदू रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में मत का सबसे बड़ा महत्व है, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घट रही है और गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि सत्ता गैर हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, और जिस दिन गैर हिंदुओं के हाथ में सत्ता गई, जैसे कश्मीर से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया, वैसे हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हिंदू अपनी जनसंख्या को बढ़ाए, एक हिंदू का कम से कम 5 संतान हो, हर हिंदू का हर हाथ में अपना एक हथियार हो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धन का सदुपयोग अपने लोगों के बीच करे, अपना धन दूसरों को ना दे, दूसरे की मजबूती प्रदान ना करे, और खुद स्वयं मजबूत हो, तभी आप धर्म की रक्षा कर पाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने हिंदू धर्म रक्षा समिति का गठन किया। हमारे 5 उद्देश्य हैं। एक, सबसे पहला, हर हिंदू दंपति का कम से कम 5 संतान हो। दूसरा, हर हिंदू के बारे में मैं कहता हूं, हर हाथ को अपना अपना एक हथियार हो। उसके बाद अपने धन का उपयोग अपने लोगों के सनातनियों के बीच करें, दूसरे को अपने धन का लाभ ना दें। इसके बाद लव जिहाद को कैसे रोका जाए, जमीन जिहाद को कैसे रोका जाए, उस पर काम करें। उसके बाद सप्ताह में एक दिन एक जगह बैठे, समिति छोटी छोटी बने, वार्ड की समिति बने, और वार्ड की समिति सप्ताह में एक दिन एक जगह जरूर बैठे, कम से कम 1 घंटा, और वहां आपस में जो समस्याएं हैं उसको सुलझाए। और जब वार्ड की समिति समस्याओं को सुलझाने लगेगी तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी, हिंदुओं को कोई मिटा नहीं पाएगा, और एक दिन हिंदुओं का वर्चस्व होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जय श्री राम। अपने जिस उद्देश्य से या हिंदू धर्म रक्षा समिति बनाया, क्या लगता है आपका वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। मेरा काम है काम को आगे बढ़ाना, लोगों के पास संदेश देना, लोग सुनते हैं, कई जगह समितियां बनी हैं, धीरे धीरे काम आगे की ओर बढ़ रहा है, और मैं संतुष्ट हूं कि कम से कम काम आगे बढ़ रहा है, रुका नहीं है। रुकने ठहरने की बात हमारी संस्था में नहीं है, ना हम लोगों में है, हम काम को कर रहे हैं। कितनी स्पीड में बढ़ रहा है इस पर हम ध्यान नहीं देते, हम अपना काम करते हैं, और अगर हम काम करते रहेंगे तो हम लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।